दोस्तों आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा ये लाल साग बनाने की रेसिपी। दोस्तों बहुत ही हेल्दी और बहुत सारे मिनरल से भरा और बहुत ही टेस्टी बनता है। इसमें हम मसालों का इस्तेमाल ना के बराबर करेंगे, लेकिन बहुत ही स्वादिष्ट बनेगा, आप ज़रूर ट्राई करना। दोस्तों अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ कृष्णा, कुक विद कृष्णा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो बिना टाइम गवाए चलो जी बनाते हैं लाल साग की भाजी। लाल साग की भाजी बनाने के लिए हम यहाँ पर लेंगे 250 ग्राम के करीब लाल साग, 2 मीडियम साइज़ का प्याज, 3 मीडियम साइज़ का आलू, 2 हरी मिर्ची, 8 से 10 लहसुन। अब हम आलू को छोटे साइज़ में काट लेंगे और प्याज लहसुन और हरी मिर्च को बारीक काट लेंगे। अब हम लाल साग को भी ऐसे ही रफली काट लेंगे। अब करेंगे गैस चालू और पैन को गरम और डालेंगे 2 बड़ा चम्मच ऑयल। जब ऑयल गरम हो जाए तब हम मीडियम फ्लेम पर सबसे पहले डालेंगे 1/2 छोटा चम्मच जीरा, करी पत्ता, बारीक कटा हुआ हरी मिर्च। अब हम सबको चला लेंगे। अब हम डालेंगे बारीक कटा हुआ प्याज। अब हम प्याज को चलाकर 2 से 3 मिनट तक भून लेंगे। अब डालेंगे कटा हुआ लहसुन। अब चलाते हुए सबको भून लेंगे। अब डालेंगे कटा हुआ आलू। अब चलाकर आलू को भून लेंगे और आलू पर एक ऑयल का कोटिंग बना लेंगे। अब हम डालेंगे 1 छोटा चम्मच नमक और मिक्स कर लेंगे। अब ढक्कन लगाकर 2 से 3 मिनट तक पका लेंगे। अब हम डालेंगे चुटकी भर हींग और मिक्स कर लेंगे। अब हम डालेंगे कटा हुआ लाल साग अब चलाते हुए सारा लाल साग को पैन में डाल देंगे। अब हम मीडियम फ्लेम पर ढक्कन लगाकर 5 मिनट के लिए पका लेंगे। अब 5 मिनट के बाद मिक्स कर लेंगे। अब एक बोल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। दोस्तों आप भी ये कम ऑयल कम मसाले वाला लाल साग की भाजी को ज़रूर बनाकर ट्राई करना, सच में स्वाद आएगा। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और कमेंट करें एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड कॉर्नर में बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। बाकी मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक आप हेल्दी खाते रहे और मुस्कुराते रहे। तब तक के लिए बाय बाय।